न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए उत्तराखंड के कई पर्यटन स्थल यात्रियों से गुलजार हैं। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में भी साल के पहले दिन गंगा स्नान करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। यहां सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है और होटल धर्मशाला भी यात्रियों से भरे हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नए साल का जश्न मनाने की अपील की है। नए साल का आगाज है तो हरिद्वार में आने का मेन मकसद ये है कि न्यू ईयर में पहले दिन गंगा स्नान किया जाए, सबसे अच्छी बात इससे क्या हो सकती है हम लोग के लिए। फिर उसके बाद और भी उत्तराखंड में मसूरी ऋषिकेश वगैरह जाएंगे, चार पांच दिन का अपना ट्रिप है, उसको बढ़िया से हम लोग इन्जॉय करेंगे और हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। जो हमारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से जो आदेश आए थे उसके बाद हमने DDMA का आदेश जारी किया था। मुख्य रूप से उसमें यही हमने लोगों से अपील की है कि वो प्रयास करें कि भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें और यदि जाना आवश्यक है तो मास्क का अनिवार्य रूप से वहां प्रयोग करें। ये उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके आसपास के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही हितकर होगा। उधर 1 जनवरी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है क्योंकि यूपी दिल्ली समेत अन्य राज्य से भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की ओर का रुख करते हैं। इसकी जानकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए की। उन्होंने कहा कि 31 और 1 जनवरी के मौके पर रूट डायवर्जन के तहत रुद्रपुर से रामपुर रोड होकर सीधा हल्द्वानी जाने वाली गाड़ियां लालकुआं होकर गुजर रही हैं और हल्द्वानी बाईपास के माध्यम से सीधा काठगोदाम जाएंगी, जिससे कि ट्रैफिक का दबाव हल्द्वानी शहर पर कम हो सकेगा। और 31 दिसंबर और 1 जनवरी की बात है तो नैनीताल की तरफ बहुत लोग मूवमेंट करते हैं और इसके लिए एक ट्रैफिक प्लान जो है पूरे नैनीताल जिले में चल रहा है, जिसमें हम लालकुआं से फिर काठगोदाम रोड पे जो है वाहन डाइवर्ट करके फिर सीधे नैनीताल लेके जा रहे हैं। और इसमें लोगों से भी अनुरोध है कि जिन लोगों की बुकिंग है केवल वही जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करें कि वहां जाने से बचें, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा रश होने वाला है। और लालकुआं में भी इस चीज की पूरी व्यवस्था है कि हम ट्रैफिक व्यवस्था और जो मार्केट है उसको पूरा राउंड लगवा के पुलिस के और उसको हम उस चीज को कंट्रोल करें। भारतीय टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ शुक्रवार तड़के बड़ा हादसा हुआ था। रुड़की के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। पंत खुद ही कार चला रहे थे। फिलहाल ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहां उनकी कई सारी जांचें भी की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि पंत को सबसे ज्यादा चोट सर और पैर में आई है। इसी के चलते उनके ब्रेन और स्पाइन का MRI भी कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट सामने आई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी लगातार उनका हाल जान रहे हैं। उनका कहना है कि ऋषभ खतरे से बाहर है, चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं। मेरी अभी सीएमओ हरिद्वार से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि काफी गंभीर चोट उन पे लगी है, लेकिन अभी वो ठीक है, हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है। जुड़ी हैं और वो हमारे इस देश का और प्रदेश का गौरव हैं और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की हम सब कामना करते हैं। और आजकल देखिए कोहरा बड़ा घना है, लोग जो गाड़ी चला के जा रहे हैं जल्दी जल्दी, जैसे उनका सुबह 5 बजे एक्सीडेंट हुआ, मेरी लोगों से यही अपील है थोड़ा कोहरा को देख के गाड़ी भी उस ऐसे समय पे ले जाएं जब कोहरा ना हो और एहतियात बरते, सीट बेल्ट जरूर पहने सारे लोग। ऋषभ पंत जी जल्दी स्वस्थ होंगे ऐसे मेरी प्रभु से कामना। उधर हल्द्वानी पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिले में बन रहे 136
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जानकारी ली, जिसमें विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अब तक 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 40 निर्माणाधीन हैं और 65 पूर्ण हो चुके हैं, बाकी शुरू होकर सेवाएं देने लगे हैं। इसके अलावा मोतीनगर क्षेत्र में बन रहे 200 बेड के अस्पताल का निर्माण 57% पूरा हो चुका है, जबकि महिला अस्पताल में 50 बेड का एक और अस्पताल शुरू होना है, जिसका निर्माण जल्द शुरू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था और उनके आवास की व्यवस्था सुनिश्चित होने के बाद गांव में स्वास्थ्य चौपाल लगाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। की है, एक मेडिकल कॉलेज की है, एक आयुष्मान कार्ड की है, और सरकार का प्रयास ये है कि हर व्यक्ति का जो है डिजिटल आईडी बनाई जाए, और उस डिजिटल आईडी में हर आदमी का जो है पूरा स्वास्थ्य का ब्रेकअप रहेगा कि उसको कब कब बीमार हुआ बच्चा, और 5 लाख रुपए तक का इलाज सबका फ्री कराया जाएगा। दूसरा, हम 1800 वेलनेस सेंटर पूरे प्रदेश में बना रहे हैं, वहाँ पे एक एक सीएचओ रहेंगे, एएनएम रहेंगे, आशा दीदी रहेंगे, और वहाँ पे 2-3 हजार आबादी के जो भी गांव आते हैं उन सबकी चेकअप कराया जाएगा, उनको वहीं पे दवाएं दी जाएंगी, डॉक्टरों के लिए आवास बनाए जाएंगे। एक ब्लॉक क्लियर है। उधर हल्द्वानी में राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेजों का सम्मेलन आयोजित किया गया। तरंग 2022 कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों को सम्मानित भी किया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस समय राज्य के 1000 बच्चे एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं, और सबसे खुशी की बात है कि बच्चे अब हिंदी में भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके साथ ही एमबीबीएस के सभी छात्र अपने आसपास के 5 परिवारों को गोद लेंगे, जिनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर उनके पूरा ख्याल भी रखा जाएगा। पूरे देश में 1 लाख बच्चे एमबीबीएस करते हैं, और हमारे राज्य में लगभग 1000 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि एक बच्चा जो अपने पूरे एमबीबीएस के कार्यकाल में जितने सालों पढ़ाई करता है, वो अपने कॉलेज के आसपास के गांव के 5 परिवारों को गोद लेगा, और उनका स्वास्थ्य का परीक्षण है, वहां पे उनकी पूरी देख देख है, ताकि बच्चा कम्युनिटी और समाज से जुड़ा रहे। तो एक बड़ा काम हमें करने जा रहे हैं। दूसरा काम ये करने जा रहे हैं कि जो हमारे एमबीबीएस के छात्र हैं उनको सामाजिक कामों का बोध भी हम देना चाहते हैं, वो एनएसएस से जोड़ना। कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य के गठन के 22 साल पूरे होने के बाद भी आम जनता की मूल भावनाओं के अनुरूप राज्य विकसित नहीं हुआ है। प्रदेश में पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी समेत बुनियादी सवालों पर आज भी हालात गंभीर हैं। वहीं वर्तमान सरकार के 6 साल पूरे होने को हैं, लेकिन वर्तमान समय में सरकार रोडमैप जनता के सामने नहीं है और जनता परेशान है। आपके विद्यालय में पलायन को रोकने के लिए इन्होंने आयोग बनाया, उस आयोग की क्या काम किया इतने वर्षों में, क्या उनकी नीति बनी, क्या उन्होंने योजना बनाई?
विधायक प्रतिनिधि गौरव ने तमाम आरोप लगाए हैं। जिसमें उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर कुछ 12 एक रोडों का प्रस्ताव दिया है और उसमें यह कहा गया है कि किच्छा में विकास नहीं हो रहा और निष्क्रिय हुए पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूं, वैसे तो उन्हें पता ही है, और आपको बताना चाहता हूं कि जो 12-13 रोडों का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है वो रोडें 14/6/2022 को हमारे द्वारा, आप देख सकते हैं, सतपाल महाराज जी को एक प्रस्ताव दिया था, लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी नए वर्ष में महिला सशक्तिकरण को लेकर विधानसभा स्तर पर महिला सम्मेलन करेगी और महिलाओं का सम्मान करेगी। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए कहा है कि अंकिता भंडारी मामले में बीजेपी सरकार ने अंकिता को न्याय नहीं दिलवाया और अब महिलाओं को सम्मानित कर रही है, जो पूरी तरह से निराधार है। पहले बीजेपी की सरकार को अंकिता बहन को न्याय दिलाने की तरफ कदम उठाना चाहिए और व्यक्ति का नाम उजागर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मेलन की बात कर रही है, जो सही नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा जो संगठन है, सरकार है, बिल्कुल निश्चित रूप से महिलाओं की जितनी भी जो महिलाओं के विकास को लेकर, चाहे अभी आपने देखा होगा 30% जो क्षतिज आरक्षण हमने किया है, दूरस्थ क्षेत्र की जो हमारी बहन बेटी है उसको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है, साथ में महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी उनके लिए जो विभिन्न योजनाएं जो सरकार चला रही है उसको देखते हुए एक मातृ शक्ति का जो हमारा पूरा ये उत्तराखंड देवभूमि जो मातृ देवभव की जो हमारी परंपरा, धीरे धीरे जो महिला वोट बैंक है वो सरकते जा रहा है, मातृशक्ति का विश्वास इस दल से उठता चला जा रहा है। और करने की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये उठता है, महिला सम्मान हर जनपद में करेंगे, इस बात का ख्याल अब क्यों आया भारतीय जनता पार्टी को? इसलिए क्योंकि आप अंकिता को न्याय नहीं दिलवा पाए, आप अनामिका को न्याय नहीं दिलवा पाए, आप पिंकी को न्याय नहीं दिलवा पाए। राज्य के मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में अंत मेडिकल कॉलेज सांस्कृतिक महोत्सव तरंग का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए। बता दें कि एक दिवसीय कार्यक्रम में राज्य के 4 मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया, वहीं तमाम प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। बता दें कि अल्मोड़ा, देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के बीच ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और यहाँ पे हम हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में आ रखे हैं, इधर कल्चरल हो रहा है जिसका नाम है तरंग, और यहाँ पे हमने बहुत मस्ती करी है। अभी सब सारे प्रोग्राम धीरे धीरे हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा पहाड़ी डांस है और बाकी सारे जो भी सिंगिंग, डांसिंग, सोलो, ड्यूएट, उन सब में सभी बहुत अच्छी तरह प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अभी तो बहुत मस्ती हो रही है यहाँ पे और बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम चल रहा है। हमारे कॉलेज ने, मतलब हमारे उत्तराखंड में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया है तरंग फेस्टिवल, उसमें सारे मेडिकल कॉलेज के बच्चे आए हैं वहाँ पर। वो लोग जनरली ये सब ट्रेडिशन को शो कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कुमाऊनी कल्चर को डेडिकेट कर रहे हैं और हमें बड़ा मजा आ रहा है। हम बहुत सारे स्किट्स भी हो रहे हैं और स्किट्स भी बहुत रिलेटेड हैं, कोई ड्रग अब्यूज के लिए है, कोई ट्यूबर क्लासेस, जैसे हम मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ट्यूबर क्लासेस के बारे में हमारे ही कॉलेज में प्रेजेंटेशन दी है। और हमारे कॉलेज में एक बहुत अच्छी सिंगर भी प्रीति, वो बहुत अच्छा गाती है, वो भी अच्छा सॉन्ग कर प्रेजेंट कर रही है। चीज़ ये हमारे पेपर चल रहे हैं अभी और ये एक रिफ्रेशमेंट हो गया हमारा छोटा सा, और स्टिल हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही क्योंकि हमारे पेपर चल रहे हैं, बट एक होता है ना होके भी हम मजे ले सकते हैं, एग्जाम देके चले हम लोग यहीं पर। हमने अभी ये परफॉर्मेंस देखी मैम की और हमें बहुत ही अच्छा हुआ, हम अभी इतनी टेंशन से होके आ रहे हैं, मतलब अभी जैसे एग्जाम खत्म ही हुआ है जैसे ही हम यहाँ पे आए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। थ्रू कॉन्स्टेंट
innovation. The group provides its clients